गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू DSS ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नाज़नीन नाज़, योर इंग्लिश टीचर। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हल्दीज एडवेंचर, लेसन टू, यूनिट फर्स्ट। ओके चिल्ड्रेंस, दिस इज योर एक्सरसाइज वीडियो एंड ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स एंड फिल इन योर एक्सरसाइज। सो हैव अ लुक योर शीट एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर वॉज हल्दी गोइंग, हल्दी कहाँ जाती है? हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल, हल्दी स्कूल जाती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू योर सेकेंड क्वेश्चन एंड योर सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ, हल्दी जो है जिराफ को क्यों घूरती है? आंसर इज, हल्दी स्टेयर्ड एट द जिराफ बिकॉज शी हैड नेवर सीन अ जिराफ लाइक, हल्दी ने कभी ऐसा जिराफ नहीं देखा था इसलिए उसको घूर रही थी, क्योंकि वो जिराफ अपने आंखों पे बड़े बड़े ग्लासेस के चश्मे पहन रखे थे और हाथों में किताबें लिया था, इसीलिए जिराफ को वो घूर रही थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू योर थर्ड क्वेश्चन एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड शी रीच स्कूल, वो स्कूल कैसे पहुँचती है? आंसर, शी रीच्ड स्कूल बाई राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द जिराफ, हल्दी जो है स्कूल जिराफ के बैक पे यानी पीठ पे बैठकर स्कूल जाती है, वो जिराफ के पीठ पे बैठकर स्कूल जाती है। नाउ चिल्ड्रन, आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू योर नेक्स्ट पेज एंड योर नेक्स्ट पेज इज अ पोयम, द पैडलिंग पूल। ओके चिल्ड्रन, आई एक्सप्लेन द पोयम एंड ऑल ऑफ यू लिसन वेरी केयरफुली। लेट्स स्टार्ट योर पोयम, द पैडलिंग पूल। Down by the river, on the way to school, we have to pass by the paddling pool. The grass is green and the water cool, and we stay to play by the paddling pool. Down by the river, on the way to school. Okay, children, now I explain the Hindi meaning for this poem. Down by the river means नदी के किनारे से, ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल जाने के रास्ते में, वी हैव टू पास, हमें जाना पड़ता है उस रास्ते से, बाय द पैडलिंग पूल, पानी के एक छोटे से तालाब जो है बगल से है वो निकलता है, हमें उसके किनारे से आना पड़ता है। लेकिन वो पैडलिंग पूल की बात कर रहा है ना, उसमें छोटे छोटे बच्चे ने छोटे छोटे वो जो है नाव बनाते हैं, उसको वो सोचते हैं इतने छोटे से तालाब में डाल के इसको हम लोग पैडल कर लें। ओके, द ग्रास इज ग्रीन, और वहाँ की जो ग्रासेस हैं, जो घास हैं, वो हरी हैं। एंड द वाटर कूल, और पानी जो है ठंडा है। एंड वी स्टे टू प्ले, और हम रुक जाते हैं, बच्चे सोचते हैं और हम यहाँ पे रुक जाते हैं और फिर खेलते हैं, ये बच्चे सोचते हैं हम यहाँ रुक जाते हैं और फिर खेलते हैं। द पैडलिंग पूल, वहाँ उसे पैडलिंग पूल के पास में, डाउन बाय द रिवर, ऑन द वे टू स्कूल, नदी के किनारे से और स्कूल जाने के रास्ते में। मीन्स इस पोयम का मतलब ये हुआ चिल्ड्रंस कि बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं तो रास्ते में एक तालाब पड़ता है, वो उस तालाब के किनारे से जाते हैं जिसमें एक छोटा सा बोट भी चल सकता है जिसमें वो पैडल कर सकते हैं। नाउ योर पोयम इज कंप्लीट चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू योर नेक्स्ट पेज, लेट्स राइट। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, आपको ये सारे वर्ड जो है फिल करने हैं, ये ब्रैकेट में जितने भी वर्ड्स दिए हैं आपको इसको फिल करने हैं। फर्स्ट वर्ड इज बोट्स, बोट्स मीन्स नाव, और यहाँ पे हम सेल फिल करेंगे क्योंकि बोट्स को सेल बोट भी बोला जाता है। नाउ सेकंड वर्ड डॉग्स, डॉग्स मीन्स कुत्ता, कुत्ता क्या करते हैं? भौंकता है, यहाँ पे हम बार्क लिखेंगे। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है प्ले करते हैं इसलिए हम यहाँ पे प्ले लिखेंगे। बेल्स, बेल्स क्या साउंड करता है? रिंग करता है, तो हम यहाँ पे रिंग लिखेंगे। बर्ड्स, बर्ड्स क्या करती हैं? सिंग करती हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिंग लिखेंगे। चहचहाती हैं, तो उन चहचहाने को हम लोग सिंग बोलते हैं। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक यू कैन बिगनिंग विथ संडे, मीन्स आपको डेज नेम लिखने हैं, सेवन डेज नेम लिखने हैं वीक्स के, तो आप यहाँ पे
स्टार्ट संडे से करेंगे. ओके चिल्ड्रंस, आई हैव राइट द वीक्स नेम, ऑल ऑफ यू राइट इन योर बुक. ओके नाउ वी आर गोइंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हल्दी रोड हर नेम एट स्कूल इन दिस वे. हल्दी जो है अपना नाम स्कूल में लिखती है. हल्दी, शी मेड वन मिस्टेक, व्हाट वाज इट. वो एक मिस्टेक करती है और वो क्या मिस्टेक करती है. राइट हर नेम करेक्टली. आप हल्दी के नेम को करेक्ट लिखेंगे क्योंकि हल्दी ने अपना नाम तो लिखा है हल्दी, लेकिन उसने फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल लिखा है. आप यहाँ कैपिटल लिखेंगे. ऑल ऑफ यू सी डैट, मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में हल्दी लिखा है, बाकी सारा स्मॉल. सेकंड लाइन इज, नाउ राइट योर नेम करेक्टली. आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है. मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है नाज़नीन नाज़. आप सब बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे. नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज, हल्दी रोट आई मेट अ जिराफ. हल्दी लिखती है आई मेट अ जिराफ, लेकिन यहाँ पे भी उसने मिस्टेक किया हुआ है. तो क्या करना है, यहाँ पे इसको करेक्ट करना है. आई मेट अ जिराफ, आई को उसने स्मॉल लिखा है. आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना है और फुल स्टॉप लगाना है. ऐसे मैंने हल्दी और नाज़नीन में भी लगाया है फुल स्टॉप. ओके नाउ अगेन वी आर गोइंग नेक्स्ट पेज. लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल. आप स्कूल के लिए रेडी होते हो. एंड योर क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू डू बिफोर गोइंग टू स्कूल. पुट वाई फॉर यस एंड नो एन फॉर नो. ओके आप स्कूल जाने से पहले क्या काम करते हो आपको ये बताना है. आपको जो सही है उसको यस लिखना है, वाई लिखना है, और जो रॉन्ग है उसको एन लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट. हैव अ बाथ. आप स्कूल जाने से पहले नहाते हैं, यस yes, तो यहाँ पे वाई लिखेंगे. क्लाइंब अ ट्री, आप पेड़ पे चढ़ते हैं, नो no, यहाँ पे आप एन लिखेंगे. प्ले इन द पार्क, आप स्कूल जाने से पहले पार्क में खेलते हो, नो आप यहाँ नो लिखोगे. कोम योर हेयर, आप स्कूल जाने से पहले अपने बाल को कोम करते हो, कंघी करते हो, यहाँ पे आप यस लिखोगे. फीड द बर्ड, आप बर्ड को दाना देते हो. जरूरी नहीं है सबके पास बर्ड हो, लेकिन जिसके पास बर्ड हो वो यस लिखेंगे, जिसके पास नहीं हो वो नो लिखेंगे. ओके लास्ट, हेल्प टू मिल्क अ काउ. आप गाय का दूध निकालते हो, मदद करते हो, नो सब नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग नो लिखेंगे. ओके लेट्स मूव द नेक्स्ट पेज. अगेन फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर और आफ्टर. आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स भरना है बिफोर और आफ्टर में. तो यहाँ पे आपको बताना है. फर्स्ट लाइन इज, ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड. आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं या फिर बाद में, तो हम पहले धोते हैं, यहाँ पे हम बिफोर फिल करेंगे. रीचिंग स्कूल आई सिट इन क्लास. आप स्कूल पहुँच के बैठते हैं या फिर पहले ही बैठ जाते हैं स्कूल में, तो यहाँ पे आप आफ्टर लिखेंगे क्योंकि आप स्कूल पहुँचने के बाद बैठते हैं. ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ. जब खाना खा लेते हैं तब अपने आप अपने माउथ को वॉश करते हैं, तो यहाँ पे आफ्टर होगा क्योंकि आप खाना खाने के बाद कर रहे हैं, तो आफ्टर होगा. रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क. आप जब अपने घर पहुंच जाते हैं तब आप होमवर्क करते हैं, तो यहाँ पे आप आफ्टर लिखेंगे. ओके चिल्ड्रंस, ओके चिल्ड्रंस, अगेन पोएम आ गया है, तो हम इसको सिंग करेंगे. नाउ ऑल ऑफ यू सिंग विथ मी. एंड योर पोएम इज बेल्स. डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर रिंगिंग. डिंग डोंग इट्स अ हॉलीडे. डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर सिंगिंग. डिंग डोंग लेट्स गो आउट एंड प्ले. एंड डियर पेरेंट्स कैन हेल्प द चिल्ड्रंस टू सिंग द पोएम लाइक दिस विच हेल्प्स देम टू लर्न द पोएम वेरी फास्ट. ओके आप बच्चों को पढ़ने में हेल्प करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू योर नेक्स्ट पेज. फर्स्ट लाइन इज, व्हाट इज द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल. यहाँ पे आपको अपने स्कूल बेल का साउंड बताना है. एंड नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, कैन यू मेक साउंड्स ऑफ डिफरेंट बेल्स डैट यू हैव हर्ड. मीन्स आपके स्कूल बेल की कैसी आवाज़ है और अलग अलग तरीके की आवाज़ जो सुनते हैं क्या वो आप बता सकते हैं. नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज, डिफरेंट साउंड ट्राई एंड मेक द साउंड ऑफ. यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की बेल हैं और उनके डिफरेंट साउंड हैं, तो आपको बताना है. फोन बेल कैसे बोलता है, ट्रिंग ट्रिंग बोलता है, तो यहाँ पे आप ट्रिंग ट्रिंग लिखेंगे. डोर बेल टिंग टोंग बोलता है, तो हम टिंग टोंग लिखेंगे. काउ बेल कैसे रिंग करता है, डिंग डोंग, तो हम उसके बेल को डिंग डोंग लिखेंगे. हॉर्स बेल कैसे रिंग करता है,
टिंग टिंग करता है तो हम उसको टिंग टिंग लिखेंगे। बस बेल कैसे रिंग करता है? ट्रिंग ट्रिंग। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन इन द बॉक्स। आपको ये सारे बॉक्सेस में ये फर्स्ट लेटर फिल करना है। पिक्चर इज ग्रेप्स, फर्स्ट लेटर इज जी। पिक्चर इज इग्लू, फर्स्ट लेटर इज आई। पिक्चर इज रैबिट, फर्स्ट लेटर इज आर। पिक्चर इज एप्पल, फर्स्ट लेटर इज ए। पिक्चर इज फ्रॉग, फर्स्ट लेटर इज एफ। पिक्चर इज फिश, फर्स्ट लेटर इज एफ। पिक्चर इज एनवलप एंड फर्स्ट लेटर इज ई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अब ये सारे लेटर्स मिलके क्या बन गए? जिराफ। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैव यू स्प्लिट। आपको इसका नाम बताना है, ये क्या है? जिराफ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस वीडियो। नाउ ऑल ऑफ यू फिल इन योर बुक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।